क्यों नहीं चुप रहे यार? सुबह सुबह रुस्तम को पता नहीं क्या हुआ, कह रहा है कि मार्केट चलते हैं। हालांकि जो गुलशन हदीर की मार्केट है ना, वो खुलती भी 1 बजे है। तो ये सारा फैलावा अभी पड़ा है। कपड़े मैंने तार से उतार के रखे हैं और हम लोग जा रहे हैं 11 बजे। ये टॉयज क्यों उठाए भैया आपने? भैया टॉयज क्यों उठाए हैं आपने? छात लेके कहाँ चलेंगे आपके? घूम जाएंगे वहां पे। गाड़ी में रख के खेलोगे? हम कोई पंजाब थोड़ी दूर जा रहे हैं जो आप गाड़ी में खेलती जाओगे। 10 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। घर पे रखो इनको। मम्मा प्लीज। नहीं, आप क्या कर रहे हो सर? बैठा हूँ। ऐसे क्यों बैठे हो? तो अभी जो है वो बस तैयार क्या होना है, जल्दी में ऐसे ही होता है। अगर मुझे अचानक कहीं जाना पड़े ना बगैर किसी प्लान के, तो बस मैं जूते चेंज करती हूँ या ऊपर जो अगर कपड़े थोड़े चेंज करने वाले तो वो करके बस जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हाँ जो है वो लाइट्स वगैरह बंद की और लॉक्स वगैरह लगाए। अच्छा, फिर मुझे याद आया कि मैंने चाय के ना 1-2 कप एक्स्ट्रा बनाए थे। तो फिर जो है ना वो चाय पीने का दिल भी कर रहा था, क्योंकि सुबह को ना हम मैं और रुस्तम तो 2 कप पीते हैं पहले और फिर थोड़ी देर के बाद। तो चाय मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए, और चाय इतनी को स्ट्रॉन्ग की थी और मज़े की थी। तो फिर जो है वो असर जो है वो पानी का बॉटल वगैरह रख रहा था, और मैं जो थी वो चाय मैंने हल्की सी आँच पे जो है ना वो दोबारा से गर्म होने को रखी। और ये देखिए मुझे ना स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। और 10-11 बजे तो जो है वो चाय पीने का दिल भी कर रहा होता है। और ये है कि 11 बज रहे हैं अभी, और वैसे हम लोग 11 बजे जो है ना वीकेंड पे सो के उठते हैं। तो आज क्या था कि सारी लाइट्स वगैरह जो है ना वो घर की काफ़ी सारी, ख़ास तौर पे किचन की लाइट्स जो थी ना वो काफ़ी सारी ख़राब थी, जिसके लिए ना मुझे कुकिंग में ना बहुत मसला आता था। रिंग लाइट वगैरह का यूज़ करना पड़ता था मुझे। तो वो रास्ते से जो था वो प्लम्बर को, उसको प्लम्बर कह रही हूँ, इलेक्ट्रीशियन को पकड़ना था। और अभिया जो है वो दरवाज़ा लगा रही है। और ये देखें सुबह सुबह जो है ना मज़े की एक धूप निकली हुई। पूरे पाकिस्तान में मैंने सुना है कि न्यूज़ में कि कई दिनों से कई शहरों में फैसला, एक फैसलाबाद, लाहौर, सादकाबाद, जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर धूप ही नहीं निकली। और यहाँ पर देखें मंज़र जो है ना, मौसम इतना कोई मज़े का है। खैर, ना हवा चल रही है ना कोई ज़्यादा सर्दी है, बस मज़े का एक मौसम है। और ये एरिया उससे भी ज़्यादा हसीन है हमारे वाला। अच्छा, जो न्यू यूट्यूबर्स है ना, मैं मोस्टली मेरे साथ 1-2 ने व्लॉग स्टार्ट किए थे, और किसी किसी का मैं देख लेती हूँ चैनल। तो क्या होता है कि उसमें ना कईयों की रोशनी अच्छी नहीं होती, अंधेरे में कुकिंग हो रही है, अंधेरे में सारा काम हो रहा है, और कैमरा आपका सेट नहीं होता, दूर से आप कुकिंग होती दिखा रहे होते, किसी को नज़र भी नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। और सारा दिन आप मेहनत करती हैं तो क्या फ़ायदा कि आपको जो है वो सही जो आप दिखाना चाह रही हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रहा होता है। तो जब भी वीडियो आप न्यू यूट्यूबर जो होते हैं, अच्छी वीडियो क्वालिटी जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको सेव करते हैं तो रेजोल्यूशन उसका जो होता है उसका ख्याल रखें, तो आपके जो है ना वो वीडियोस अच्छी आएंगी। रोशनी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, फिर जो है कैमरा रेजोल्यूशन का ख्याल रखें, फिर जो है जिस सॉफ्टवेयर में आप जाकर एडिट करेंगे उसके रेजोल्यूशन सेव पे जब जाएंगे तो उसका ख्याल रखें, तब जाके आपकी वीडियो थोड़ी सी अच्छी बनती है। और एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक ही जो है वो बात को घुमा फिरा के दोबारा दोबारा करते रहते हैं, उससे आपके चैनल पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो है वो मैं पीछे आकर बैठ गई, बिकॉज मुझे जो था वो आगे जो था वो जो इलेक्ट्रिशियन था जिस उसको बिठाना था, वैसे हमारा रियलिटी भी है। तो मैं यहाँ से आकर ना पीछे से पहले से बैठ गई कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जो है वो किसी के सामने नहीं करके बैठूँ। तो बच्चों के साथ ही बिठाया तो मैं और बच्चे पीछे बैठ गए। तो दोबारा से यहाँ से हम लोग जो है वो बस पहले इलेक्ट्रिशियन को साथ देंगे, ताकि जो भी लाइट्स उसको पता है कि बटन्स और लाइट्स कौन सी लेनी है। अच्छा, बहुत सारी जो व्लॉग बनाने वाली ना वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। मैं अक्सर को जाके कमेंट में बता देती हूँ कि आप रोशनी का ख्याल रखा करें, रास्ते में आपको उल्टा मेरा कमेंट ही डिलीट कर देती है जल्दी से, रोशनी नहीं ठीक करती ना। इंग्लिश मूवीज उसका मंजर भी दिखाई देता है, सही करती है। 2-3 साल पहले मुझे क्या, मैं तो उनका फायदा ही बता रही होती हूं कि अपनी रोशनी सही करें। घर देखने जब आए थे ना, वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। ये नजर आया मुझे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा ये वाले रोड पे लगता है कि ये कोई इंग्लिश फिल्मों का जो है ना वो मंजर है। तो ये वापस आ गए हम सब, हमने सब कुछ ले लू लिया, जो है ये लाइट्स जो है वो सामने की ऊपर की ये सारी किचन की लाइट्स जो थी ना वो खराब थी। तो रुस्तम जो है वो लाइटिंग जो है वो करवा रहे।
अच्छा, भूख लग रही थी तो बहुत ही मज़े का जो था वो चिकन और आलू वाला पुलाव था। और साथ में आते हुए ना हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ से ना निहारी पकड़ ली थी। और पुलाव जो था वो भी काफ़ी मज़े का था। मुझे तो जो था वो पुलाव खाने का मन हो रहा था, लेकिन जो दूसरे थे उनको भी पुलाव भी दिया खैर, लेकिन मैंने जो मुझे जो है ना वो खाली चावल खाने का मेरा दिल कर रहा था। तो चावल बहुत मज़े के थे बने हुए, मज़े की खुशबू आ रही थी और साथ में जो थी वो निहारी थी। और साथ में जो था मैंने क्या किया, चपातियाँ पतली सी डाल रही थी। तो ये हमारा आज का लंच था। और ये निहारी को देखें, वहाँ पे हमारे जमजमा पे अच्छा से एक रेस्टोरेंट है निहारी का, वो वहाँ से निहारी ली। तो हस्बैंड कह रहे थे डबल, तो मैं ये सिंगल ही, मैंने कहा डबल आपने क्या करनी, तो ये सिंगल निहारी ही काफ़ी थी और काफ़ी मज़े की थी। और ऊपर जो है वो गार्निशिंग की जब उनके दिए हुए सब्ज मिर्च और उससे अदरक से, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही। साथ साथ मैंने रोटियां बना ली थी। और ये फिर हमारा दोपहर का खाना था। तो उसके बाद जो है वो आज हमारे घर के काफ़ी काम हुए। रुस्तम जो है ना वो बीहा की साइकिल को कलर कर रहे थे, तो मैंने ब्रश कर पकड़ के ना, मेरा भी दिल, मुझे पेंट करने का वैसे ही शौक होता है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ कि किस तरह से होता है। और ये वाला पेंट एक्चुअली ना हमारी एक बड़ी सी चारपाई जो सेहन में होती है ना वो ख़राब हो रही थी, तो उस पे जो हमारा इलेक्ट्रिशियन था उसने आज बहुत सारे काम किए, नलके ठीक किए, चारपाई पे पहले कलर किया, फिर उसको जो उसका एक मखसूस सा जिससे बनती है चारपाई प्लास्टिक जो होती है उससे बनाई। तो ये रुस्तम बना कर रहे थे इस पे कलर बीहा की साइकिल पे। तो फिर मैंने जो है वो ब्रश पकड़ा और मुझे मज़ा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं सारी कर दूँ। तो खैर बाकी मेरे जो है ना काम थे काफ़ी सारे पड़े हुए। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज वो जो है मैं ले के क्या कौन कौन सी सब्जियाँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो और मुझे जो है ना सब्जियां, जब सब्जियां और फ्रूट्स वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन लेते हुए ना मुझे महंगाई देख के मेरी कानों को हाथ लग रहे थे। हाँ, कि जिसको हाथ लगाओ वो ही महंगी तरीन थी। खैर ये सारी वेजिटेबल जो है ना और फ्रूट्स हैं, इनको मैं बाद में ना क्या करूँगी कि वॉश करूँगी, एक दफ़ा निकाल लूँ। तो सब्जियां इसमें हैं और थोड़े से फ्रूट्स लिए थे, और जो बच्चों ने आते खा भी लिए थे, और आते ही इतने बिजी हो गए हम लोग, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला इनको निकालने का। तो अभी मैंने मगरब की जो है वो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सब्जियाँ, अब यकीन जाने महंगाई इस कदर हो गई है कि थोड़ी सी सब्जी और 1,000 का नोट फिर से गया। थोड़ी सी एक जगह से सब्जी ली, अच्छा मैं ना मुझे सब्जी लेने का बिल्कुल ढंग नहीं है, मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, लेकिन मैं उनके साथ बस बता रही थी कि ये ले लें ये ले लें। और सब्जियाँ आप ये देखें कि जो प्याज होता था वो प्याज देखें, ये प्याज पड़े हुए थे तो मैंने बस थोड़े से लिए। प्याज जो है वो 200 रुपए किलो, और 100 रुपए के 4-5 किलो प्याज आ जाया करते थे आज से कोई 1.5 साल पहले, साल 2 साल पहले की बात है। और ये 2 सालों में जो महंगाई हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं बेचारे लोगों का क्या बन रहा होगा, मुझे तो यही फिक्र लगने लगती है। तो बस ये इतनी सी सब्जी थी, थोड़ी थोड़ी थी, कुछ जो थी वो शिमला मिर्ची थी, तो मैं साइड पे हटाती हूँ, टोकरी में ही रख लेती हूँ। तो इनको जो है ना वॉश करूंगी। बस ये था कि थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, तो अभी पड़ी हुई सब्जी थी। और हमारी फैमिली भी छोटी है, आप सोचें कि जिनकी फैमिली बड़ी है उनका मतलब बनता क्या होगा। तो ये टमाटर भी पड़े हुए थे तो आधा किलो मैंने ले लिए। अब ये भी आई थिंक 100 रुपए किलो मिल रहे टमाटर, और कुछ पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि इन सबको ज़रा मैं शॉपरों से निकालूंगी और फिर इसको साथ साथ धोती रहूंगी। और मुझे लेमन सबसे सस्ते लगे, 50 रुपए पाव 50 रुपए पाव थे तो मुझे थोड़े सस्ते लगे कि चलो लेमन जो है ना इतने सारे जो हैं वो 50 के हैं। अच्छा मुझे सब्जी लेने का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड को जैसे कि मैंने बताया कि उन्हीं को पता होता है कि सब्जी कैसे लेते हैं। तो लेकिन ये था कि वो जब एक जगह से स्टॉल से थोड़ी सी सब्जी ली और 1,000 रुपये का नोट गया, फिर दूसरे से ली 1,000 का नोट गया, तो मैं सोच रही थी कि इस ज़माने में अभी की महंगाई में कम से कम भी जो सैलरी है ना, हर बंदे की सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है आप लोगों का। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी। और गोभी जो है ना वो कोई भी नहीं खाता है, और मुझे आलू गोभी इतनी पसंद है, शुक्र है मेरे साथ जो है ना वो सब खा लेता है।
मेरा मियाँ भी नहीं खाता है, हस्बैंड नहीं खाते, अबीहा नहीं खाती और मुझे पसंद है, तो मैं छोटा सा फूल ही लेके आई कि मेरे और असद के लिए काफी होगा। तो इसकी जब मैं जब बनाती हूँ तो बहुत मजे की बनती है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। और हस्बैंड नहीं खाते हैं भाई, ये मसला है। और लगता है कि जो था ना धनिया पुदीना, वो लगता है ज्यादा ही ले लिया है मेरे हस्बैंड ने, दो जब दो दफा ले लिया इतना। वैसे अब चले इसकी मैं वो बना के रख दूंगी। आजकल मैं अपने व्लॉग पर ना सोच रही हूँ कि डिफरेंट सॉसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ डिफरेंट चटनियाँ, क्योंकि मुख्तलिफ चटनियाँ होती हैं और बनानी चाहिए जो हेल्दी भी होती हैं, तो वो मैं बनाऊंगी आने वाले व्लॉग में। और बंद गोभी तो मैं वैसे भी चलते फिरते खा लेती होती हूँ, वैसे भी बहुत सारे सैलड वगैरह में आती है काम में। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां ली और आप यकीन जाने कि मतलब अच्छे खासे महंगी सब्जियां आई हैं। और भिंडी वैसे गर्मियों में अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं ना, मैंने भिंडी छोटी छोटी सी देखी तो मेरा दिल किया कि मैं ना भिंडी जो है वो ले लूं और ट्राई करूं। तो ये सारी वेजिटेबल्स को ना मैं धो के अब रखूंगी ड्राई करके, और इसको तो मैं किसी जो होता है ना कागज फ्राई बैग उसमें डाल के रखती हूँ ताकि फिर लॉन्ग लास्टिंग। और बस इतनी सी सब्जी थी और कुछ फ्रूट थे, और ये 2-3 किलो जो है ना वो है गाजरें। तो मैं सोच रही थी कि गाजरों का जो है ना वो मैं जूस बना के पिया करूं, तो इन सबको जो है ना वो मैं अभी निकालती हूँ और फिर डालती हूँ, धो के रखती हूँ इन सबको। तो और क्या लिया? अच्छा, और मैं दिखाती हूँ, तो गाजरों का ना मिक्स सब्जी बनाने का मेरा प्लान है। तो डिफरेंट वे से अपने आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारी रेसिपीज मैं ना अदल बदल करके बनाने वाली हूँ, लेकिन फ्लेवर बहुत मज़े का आने वाला है। तो चैनल को अभी से जो है ना वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, स्टोरेज के लिए ना मैं ये बहुत ही अच्छे से लेके आई हूँ। ये क्यूब्स की शक्ल है, इसका मैं यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो है ना इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो वो जो मुख्तलिफ हैक में आप पुराने कपड़ों से घंटों बैठ के बनाएं, उससे अच्छा इस टाइप के ले आएं। और ये मुझे पता है इसमें ये जस्ट मुझे मिला है 100 का। तो बजाय इसके कि आप वो हैक देखें और सारा दिन आप जब इसको बनाने बैठेंगे ना तो पूरा दिन आपका जो है ना लग जाएगा, तो पूरा दिन जाया करने से अच्छा है कि 100 रुपया इस पर लगाएं और ले आइए, वो बहुत अच्छा है। और एक इसकी ये शेप है, ये देखें मजे का है। और फिर एक मैं लेके आई हूँ कटिंग बोर्ड, चाहिए था, मेरा वो खराब हो चुका था। और ये जो है ना, जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया कि मैं डिफरेंट जो है वो चटनियां बनाने वाली हूँ सॉसेस, तो इसके लिए लाई हूँ। तो बना के इसको मैं कर दूंगी फ्रीज और जब दिल करेगा निकालते रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया है, इसको क्या कहते हैं क्यूब, कि बर्फ जो होती है आइस क्यूब्स बनाने वाली जो है ना ये है, क्या इसको कहते हैं यार, आइस क्यूब ट्राई विद एलईडी फ्लिप इट, इसका नाम क्या उन्होंने लिखा। तो इसके मतलब ये आइस क्यूब बनाने के जो इसका सांचा है ना ये वो है। तो ये जो है ना वो छोटी सी मेरी आज वो रहा, और अच्छा खासा बंदे का खर्चा हो जाता है, तो महंगाई के दौर में जो है ना अल्लाह सबकी मदद फरमाए। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, और कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।